और हृदय से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। वैसे तो मैं आदरणीय साहू जी से बहुत पहले से करीब करीब हमारा मुलाकात जो हुआ था वो भिलाई के कर्मा सेवा समिति में हम लोग बिल्कुल एक साथ मिलकर काम किए थे। तब से हमारा उनका परिचय था एक सामाजिक रूप में, लेकिन हमने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि आने वाले समय में हमारा और उनका एक संबंध जुड़ जाएगा। लेकिन यह तो विधि भगवान की इच्छा थी कि साहू जी से और हमारा जो एक रिश्ता जुड़ा, साहू जी की बेटी से हम जो बहुत बनाए हैं वो वहां से हमारा उनका रिश्ता मतलब जुड़ा है। और ऐसे साहू जी से तहसील में अध्यक्ष थे तब भी उनके साथ हमने सामाजिक स्तर पर काम किया, यहाँ तक कि दुर्ग जिले में का चुनाव हुआ और साहू जी अध्यक्ष बनकर आए, उस समय भी हमने उनके साथ पूरा काम किया है। यानी कि मैं जो है साहू जी के साथ कई वर्षों तक काम किए हैं। दूसरी बात है, साहू जी इतने मृदुल सरल और विनम्र स्वभाव के व्यक्तित्व के धनी थे, सदा मुस्कुराते रहते थे, हंसते रहते थे। हम लोगों का और साहू जी का आज तक किसी भी बात का मनमुटाव नहीं हुआ, क्योंकि हमें मालूम है कि जिस परिवार में संस्कार अच्छा हो उस परिवार में के साथ कभी मनमुटाव हो ही नहीं सकता। और साहू जी ने सदा समाज के लिए काम किया। साहू समाज को दुर्ग में बहुत ही काफी मतलब ऊंचाई तक पहुंचाया है। ऐसे तो बहुत ही अध्यक्ष हुए, लेकिन साहू जी का कार्यकाल बहुत ही शानदार पूर्वक था, शानदार पूर्वक वो काम किए। और क्योंकि मैं उनके साथ में भी काम किया हूँ इसलिए मुझे अच्छा मालूम है कि समाज के जो गति को उन्होंने जो प्रदान किया है वो हम कभी भी नहीं भूल पाएंगे। इतना समाज को ऊंचाई में पहुंचाया और उन्होंने समाज को काफी हद तक ऊपर उठा दिया है। आगे मैं और ज्यादा ना बोलते हुए मैं पुनः उनको विनम्र श्रद्धांजलि देते हुए अपना वाणी विराम करता हूँ। ओम शांति, ओम शांति।